इनकलाब जो कि बहुत पुराना न्यूज़पेपर है उसका जश्न आज किया जा रहा है सबके साथ में, क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो पार्टी है, वैसे भी यू नो एक्साइटिंग होती है, अच्छी होती है, एंड इनकलाब है तो ईद की पार्टीज एनी वेज वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी, एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस, सो इट्स मेकिंग मी फील सो ओवरवेलम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसका हिस्सा होते हुए, एंड काफ़ी खुश हूँ। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स अगर शेयर करना चाहे? मेरी फिल्म आएगी अब माफिया क्वीन, दैट इज मल्टी लिंगुअल पैन इंडिया, और उसके साथ साथ मेरी और भी साउथ की मूवीज आने वाली है जिसका आपको जल्दी पता लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम मैंने भी पढ़ा है इनकलाब, बिकॉज जो इनकलाब का बहुत डिफरेंट वर्डिंग्स और डिफरेंट तरीका है उनका उनके न्यूज़पेपर को आगे लगाने का, तो और आप लोगों को सबको मैं ये बोलूँगी कि ऑब्वियसली इट्स अ ईद की पार्टी, तो ईद मुबारक, आफ्टर ईद भी चल रहा है, सो ईद मुबारक और इनकलाब के लिए तो है। बस नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रहा है नवाज के साथ सीरीज रिलीज हो रही है, सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दैट। लास्टली आई वुड लाइक टू कॉल थैंक यू। पुराना न्यूज़पेपर है और अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज के जो प्रोग्राम में? सबसे पहले इस मौके पर मैं जितने भी इनकलाब के मिड डे के पूरे ग्रुप के जो रीडर्स है, और आज से नहीं इनकलाब को तकरीबन 86 साल पूरे हो गए हैं और लोग जुड़े हुए हैं, सबको ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूं। मिड डे ग्रुप के अंदर जो इनकलाब जो ये अखबार है, वो एक अखबार नहीं, वो एक सोच है, वो एक मूवमेंट है, और पिछले 86 साल थे ये अखबार लोगों को एक रास्ता दिखाता है, लोगों को एक भरोसा है इनकलाब के ऊपर कि इनकलाब में अगर कोई चीज़ है तो वो हकीकत है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शाहिद लतीफ़ हमारे साथ में है, एक बहुत बड़े साफ़ी है, उन्होंने इनकलाब को ज़िंदा रखा, उसमें जान डाली है, और एक पहला अखबार पूरी दुनिया का है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज का अखबार, जिसने एक इंग्लिश अखबार को जन्म दिया मिड डे को, और दोनों ने अपने आप पे एक मरहले तय करने के बाद में पूरी ऊंचाई के ऊपर है। ये इनकलाब के अलावा दुनिया में कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसने इंग्लिश अखबार को जन्म दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने एक चीज़ को, मैं इनको 86 साल पुराना नहीं बल्कि 86 साल यंग, 86 ईयर का यंग अखबार है ये, और मुझको पूरा यकीन है कि ये 4 फिगर में भी इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह। या मैं तो बहुत ही सरप्राइज होके एंड वो होता है ना ऑस्ट्रक रह जाते हो आप खुद ही ऐसे, वाओ मैं वैसे देखती हूँ अपनी जर्नी को, एंड दिस वाज एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर मी, आई केम हियर बट आई डिडंट नो अंटिल आई केम हियर दैट आई एम गोना रिसीव दिस, एंड ये जो कैटेगरी है द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैटेगरी है, मतलब आई लव इट एंड आई वुड लव टू डू डिफरेंट रोल डिफरेंट कैरेक्टर्स, और मैं चाहूंगी कि मुझे हर बार ऐसे ही बोला जाए, ओके यू आर द मोस्ट वर्सेटाइल वन, आई लव इट। एज अ एक्टर किससे इंस्पायर होती, कैसे किससे इंस्पायर होती हूँ? या मैं ऑनेस्टली मैं खुद से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज व्हेन आई सी माय जर्नी आई बिलीव कि सबकी जर्नी बहुत अलग होती है एक दूसरे से, और किसी और की लाइफ में आई डोंट नो व्हाट स्ट्रगल्स दे हैड बट आई नो व्हाट स्ट्रगल्स आई हैड, और मैंने जो जर्नी जी है या मैं जहाँ से निकल के यहाँ तक आई हूँ वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई फील कि अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो बहुत आगे भी जा सकती हूँ, सो आई इंस्पायर माई सेल्फ। तो अभी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, क्या बड़े पर्दे पर भी देखेंगे? भगवान करे कि आप मुझे बड़े पर्दे पर देखें, बहुत जल्द देखें, मैं कोशिश कर रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग एवरीवेयर, बाकी आई बिलीव गॉड्स प्लान इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान, सो व्हाटएवर आई गेट मुझे पूरा यकीन है कि मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, सबसे बेस्ट होगा वो, सो आई एम गोना टेक दैट अप, बट फिलहाल काफ़ी चीज़ें लाइंड अप है, आई डोंट नो व्हिच वन आई एम गोना वर्क ऑन राइट नाउ, बट आई होप इट विल बी द बेस्ट वन। बहुत एक्साइटेड हूँ एंड और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्यों मतलब ये लोगों को जोड़ने वाली वाले प्रोग्राम है, इट्स एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वन कम्युनिटी, इट्स अबाउट एवरीबडी कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग अ बिग इवेंट, और ये मतलब इनकलाब है, इनकलाब तो हमारा इतना पुराना वो न्यूज़पेपर है, सो इट्स लाइक इट्स नाइस टू बी ए पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, एंड किस तरह का जश्न यहाँ पर?
देखते हैं, अभी तो शुरुआत है। और इसके अलावा क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं 2024 में? कहाँ अभी ऑलमोस्ट 4 फिल्में हैं, जिसमें एक सक्षम करके फिल्म है जो कांस में गई है अभी इंडिया से, मतलब 7-8 फिल्में गई हैं, उसमें एक मेरी फिल्म है सक्षम, और उसके अलावा वो एक DNA में गांधी जी हैं, एक धूनी है, और एक जनता है बॉस है। अभी 2-4 प्रोजेक्ट्स लाइनअप है, देखते हैं, शायद मे बी दिस ईयर शुड रिलीज एक्चुअली। थैंक्स अ लॉट फॉर यू गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो सब आप लोगों के लिए थैंक यू, आप लोग आए उसके लिए। और ये इंकलाब के बारे में जस्ट मैं कहना चाहता हूँ, इंकलाब को 85 ईयर्स हो गए और ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर है मिडडे ग्रुप के तरफ से, और ये हमारा सेकेंड एडिशन है इंकलाब का जश्न ईद के नाम से। यहाँ पे हम सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि सारी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, और बेस्ट पार्ट है हर बंदा आके एक और कम्युनिटी के लिए या इंडिया के लिए जितने भी लोग हैं उनको विश करता है ईद की। तो ये ब्यूटी है इस अखबार की और इस ग्रुप की। थैंक यू, थैंक यू। द इनकलाब जो न्यूज़पेपर है बहुत पुराना, उसका एक ऑब्वियस सेलिब्रेशन यहाँ पर होने वाला है, हर कम्युनिटी के लोग आने वाले हैं, क्या कहना? देखिए कि इनकलाब एक सोच है, इनकलाब एक विचार है। इनकलाब की अगर बात कहे तो हिंदुस्तान की एक शान, एक उर्दू तहजीब का एक इतना बड़ा अखबार जो हिंदुस्तान के अंदर हम छोटे थे, मैं समझता हमारे वालिद के ज़माने से हम इनकलाब हमारे घर में आता है, और आज ख़ास तौर पर जिस तरीके से राहुल हर साल में एक जश्न ईद मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाकर मिलाने का काम करते हैं, ये अपने आप में ख़ास बात है, जिसमें शाहिद लतीफ़ साहब ने कई साल इनकलाब को अपना ज़िंदगी दी। ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने बेलोस तरीके से सच बात हिंदुस्तान में सरकार तक के पहुँचाने का काम किया, हर एक एक छोटी छोटी बातें लोगों के सामने आती रही और लोगों को इंसाफ मिला। तो इंसाफ का नाम ही इनकलाब है, इसलिए हाजी अराफा शेख हर साल की तरह इस साल भी इनकलाब के इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुआ। ख़ासतौर पर इनका हौसला अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ है, कि जब हम स्टूडेंट विंग में भारतीय विद्यार्थी संगठन में जब काम करते थे, जब इनकलाब में एक छोटी सी एक लाइन आती थी तो हम अपने आप में बड़ी बड़ी समझते कि इनकलाब में हमारा एक न्यूज़ आया है, ये खास बात थी। तो अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना आया, बहुत सारे चैनल्स आए, जब कोई नहीं था तब इनकलाब था, और इनकलाब ने एक अपनी एक पहचान बनाइए। मैं सभी इनकलाब के पत्रकारों को, कई ऐसे पत्रकार जो दुनिया से चले गए लेकिन उन्होंने अपनी यादें अपनी पहचान बना के गई, क्योंकि जिस तरीके से साफ सुथरे साफ शफाफ तरीके से उन्होंने अपना एक पहचान बनाई, वही इनकलाब की शान है। आज ख़ास तौर पर मैं राहुल जी को और शाहिद लतीफ़ साहब को, सभी इनकलाब के पत्रकार भाइयों को बहनों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप सब पत्रकारों को भी बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। एक्साइटेड है आज का जो जश्न है द इनकलाब, चूँकि बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है और बहुत लोग पढ़ते हैं आज भी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और जश्न के लिए कितने एक्साइटेड हैं? द इनकलाब जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है, और उससे एसोसिएट होके उसके थ्रू अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मेरा ये सेकेंड टाइम है, और पिछली बार साल जब आई थी तब भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था, और इस बार भी आई एम होपिंग और इससे भी डबल अच्छा हो, बिकॉज सेकेंड एडिशन है। सो आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड टू मीट अदर कलीग्स ऑल्सो, एंड कंग्रेचुलेशंस टू इनकलाब, टू मिड डे एवरीवन। जी आजकल तो मतलब बहुत सारे लोग आपको न्यूज़पेपर और ऑनलाइन देखते होंगे, आप ऐसा कोई किस्सा याद है जब आपने पहली बार खुद को देखा ऑनलाइन, कुछ शेयर करना चाहे वो मेमोरीज न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन? आई थिंक मेरा पहला जो था वो एक ऐड था देहरादून में, जो मेरा सबसे पहला ऐड था चश्मे का, वो मैंने अपने न्यूज़पेपर में देखा था, तो वो कटिंग मुझे अभी भी रखी हुई है मेरे मम्मी ने संभाल के। आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर शेयर करना? बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। इनकलाब जो कि बहुत पुराना न्यूज़पेपर है और आज भी लोग पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सब में पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको सबको ईद मुबारक। और ये जो इनकलाब है ये 1938 में शुरुआत हुई है, इसकी बुनियाद रखी गई थी जनाब हाजी अब्दुल हामिद अंसारी साहब के ज़रिए, जो आज ये 86 ईयर्स कम्प्लीट कर चुका है।
और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे यहाँ पे दावत दी गई, इस ईद के मौके पे मुझे यहाँ पे बुलाया गया। और ये इनकलाब एक न्यूज़पेपर है, एक ऐसा उर्दू खबरनामा है जो हर एक मुसलमान के घरों में आज भी पहुँचता है और आगे तक भी पहुँचता रहेगा। और मेरी दुआएं हैं इनकलाब के साथ, और आज मैं जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले हर साल इंशाल्लाह ऐसे ही मैं शाहिद भाई के साथ और इनकलाब के साथ जुड़ा रहूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सालों से लोगों को जो है अच्छे अच्छे न्यूज़ देता है, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? कितना बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, ऐसे मौके पर मुझे भी याद किया। तो इनकलाब जो है मुंबई में जिस तरीके से मिड डे है वैसे ही इनकलाब है, हर मुस्लिम्स के जितने भी व्यूवर्स हैं पढ़ने वाले हैं उनके घरों में होता है। हम लोग भी इनकलाब भी पढ़ते हैं, मिड डे भी पढ़ते हैं और नवभारत टाइम्स भी पढ़ते हैं, लेकिन इनकलाब जो है और मिड डे ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पेपर है और हम सबको याद किया जश्न ईद के मौके पर, ईद मिलन के मौके पर। तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये गेट टुगेदर हमेशा होता है, मैं पहली दफ़ा इनके फंक्शन में आया हूँ तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम फैयाज़ अली खान हुआ। मैं सबसे पहले तो सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये जश्न ईद जो इनकलाब की तरफ से रखा गया है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत इनकलाब पेपर जो वन ऑफ द लीडिंग पेपर है ऑल ओवर इंडिया में, तो उनकी तरफ से जो प्रोग्राम है उसके लिए थैंकफुल, हम लोग को इन्वाइट किया उसके लिए। थैंक यू सो मच। न्यूज़पेपर है उसका जश्न आज किया जा रहा है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये मुझे पता है कि ये बहुत ही प्रीमियम यू नो कोलैबोरेशन है इनके साथ में। हम मैंने बहुत पहले इस सप्लीमेंट के बारे में सुना था, एंड मिड डे एनी विच वेज हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मिड डे हमारे लिए तो ऐसा है कि मतलब हर अगर छोटी छोटी सी न्यूज़ चाहिए, दोपहर की चाहिए, शाम की चाहिए, हमें मिड डे पता है क्योंकि हमें मिड डे की तरफ जाना है। सो येस, आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंडेवर, एंड आई होप इट शाइन्स लाइक द जश्न ईद इट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है। मेरी जर्नी फ्रॉम डायरेक्शन टू एक्टिंग हैज़ बिन यू नो इट्स बिन लिटल डिफिकल्ट, बट इट फील्स अमेजिंग कि फाइनली आई एम गेटिंग द काइंड ऑफ रिकग्निशन मेरे आर्ट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड एंड वेरी वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। को अच्छे अच्छे न्यूज़ दे रहा है, और आज जो जश्न होने वाला है हर कम्युनिटी के लोग मिलने वाले हैं, कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, जब से ये डिजिटल मार्केटिंग हुई है और तब से जो न्यूज़पेपर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उर्दू को समझते थे, जो उर्दू को जानते थे, उन लोगों का एक टेस्ट था कि वो हमेशा जब मॉर्निंग के अंदर उर्दू के चाहने वाले, उर्दू अदब को मानने वाले, जब तक वो इनकलाब को नहीं पढ़ते थे उनको सुकून नहीं मिलता था। तो इनकलाब की अपनी एक पहचान है, वो अपनी बातों को लोगों के पास पहुँचाने का काम करता है, और इनकलाब ने कई सालों से अपनी जो एक पहचान है, अपना जो भरोसा है वो बनाया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अभी लग रहा है, आपको दिख रहा है कि मीडिया पे कहने के कुछ सवाल होते हैं, लेकिन इनकलाब ने अपना भरोसा आज भी बनाया हुआ है। तो इतना बड़ा ये फंक्शन हो रहा है इनकलाब का, मैं इनकलाब के जो भी एडिटर है, इनके तमाम जो लोग हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करूँगा। और हमारे मुल्क के अंदर जो इनकलाब अपनी पहचान को बरकरार रखेगा, लोगों की आवाज़ बनकर जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए लोगों की आवाज़ बनकर लगातार काम करता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और तमाम जो ऑर्गेनाइज़र है उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना बेहतरीन ये प्रोग्राम कर रहे, इतने सारे यहां पर आर्टिस्ट, इतने बड़े यहां पर जो है लोग आए हैं, तो उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुबारकबाद देना चाहूँ इनकलाब, तो हम तो बचपन से देखते आए इनकलाब, बहुत मशहूर पेपर है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ही अच्छी सच्ची खबरें अगर देखना है इनकलाब देखिए, और ईद मिलन की मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा हमारे दोस्त को। बस शुक्रिया।
मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि मेरे को ये मौका मिला है आने का एंड यस वेरी हैप्पी। मेरा नेक्स्ट अधूरा देखा आपने अमेजोन पे अभी या नहीं? ओके गुड। नेक्स्ट है वायरकॉम के साथ है एक सीरीज हनीमून फोटोग्राफर, आई थिंक मे एंड में वील बी आउट। थैंक यू वेरी मैं तो योगा करता हूँ, मेरे लिए तो लाइफ का हर एक दिन जश्न होता है। सुबह उठते हैं जश्न करते हैं, रात को सोते वक्त जश्न करते हैं, और लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेलिब्रेट नहीं करें, जश्न नहीं करें। वो जो इनकलाब कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी आई ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ मिड डे एंड इनकलाब बोथ। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू रीड इट, माय ग्रेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू रीड इट, सो आई एम हियर टू सपोर्ट देम। थैंक यू। इनकलाब जो कि इतना पुराना न्यूज़पेपर है और आज जो जश्न हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस मैं मिड डे इनकलाब राहुल शुक्ला जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उर्दू पेपर इतने बरसों से चलते आ रहा है इकलौता, और उसके रीडर्स को जो है, जो इनको आज तक जो है ना पढ़ते आ रहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ ईद जश्न की। और कामयाबी हमेशा जो है मिड डे जो है एक इकलौता पेपर है जो सुबह और शाम आता है, और ये ग्रुप जो है हमेशा अच्छी न्यूज़ जो है देते रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को इंकरेज करते रहते हैं। तो मैं इस ईद को, इस जश्न को बधाई देता हूँ। थैंक यू। ईद का जश्न हो रहा है सो देखो हम इंडियन कल्चर जो हम इंडियंस हैं वो हमेशा अपने फेस्टिवल्स और सब चीज़ के लिए दुनिया भर में बहुत फेमस हैं, एंड ये सारे कल्चर्स और ये सारे इवेंट्स हमें बहुत खुशी देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं। ऑफकोर्स मैं एवरी ईयर इनका ईद का फंक्शन में अटेंड करती हूँ, आई ऑलवेज बी वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मिड डे ग्रुप और जागरण ग्रुप के साथ, इनकलाब के साथ 25 साल से जुड़ा हूँ, और मिड डे और इनकलाब के सब इवेंट का हिस्सा हूँ, और बहुत खुशी है, अच्छा इवेंट आज। Evening everyone, it's a lovely evening and such a beautiful Eid celebration by Midday team, and I'm really glad that I'm here today, and as usual I am always always encouraging all such kind of events where such kind of gatherings and people come together and celebrate this good festive mood together. And what else, thank you so much for having me here. Thank you. Thank you. ये सारी शुभकामनाएं आपको भी मुबारक हो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज सेकेंड टाइम है। सबसे पहले आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जश्न इनकलाब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और इनकलाब पेपर बहुत पुराना है, और मेरे वालिद मरूम पढ़ते थे क्योंकि वो उर्दू जानते थे, हम लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए, लेकिन इनकलाब जो है बहुत अच्छा पेपर है, और जो काम कर रहे हैं इनकलाब उसको करते रहना चाहिए, और देश में इनकलाब की सख्त जरूरत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यू नो हर जाति के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, यू नो फिल्म इंडस्ट्री वाले, बिजनेसमैन, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर यू नो लोगों के बीच में मिलते हैं, कुछ मीठी बातें करते हैं, साथ में खाते हैं। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि यू नो इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम रखा और एक अच्छा मैसेज पहुँचाने की कोशिश करी देश में, जबकि यू नो हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, अंदर जाके एंजॉय करूँगा, और मेरे जो दोस्त हैं अलग अलग पार्टीज़ के उनको मिलूँगा। गुजारिश करती हूँ कि वो दोनों यहाँ
तो इंकलाब जिंदाबाद। आई वुड लाइक टू से दैट आइकॉनिक वुमेन एम्पावरमेंट एंड फैशन आइकन का अवार्ड मिला है। मुझे लगता है कि जब कोई न्यूज़पेपर बिलोंगिंग फ्रॉम 1930 जो 1930 में जिसका ओरिजिनेट जो ओरिजिनेट हुई थी शुड एस्टैब्लिश एंड अलोंग विद दैनिक जागरण मिड डे आज साथ में आए हैं सबको फैसिलिटेट करने के लिए, सबको एक हिस्से के अंदर फील कराने के लिए दैट नोबडी इज बिलो एनीबॉडी, नोबडी इज अबव एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज एन इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जब दो कल्चर साथ में मिलते हैं अलग अलग तरीके की सुंदर सुंदर चीज़ें उभर के आती हैं। यहाँ पे वी ऑल आर प्रेजेंट हियर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिनको सराया जा रहा है। एंड आई थिंक मिड डे हर बार मुझे बुलाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एंड मुझे लगता है कि आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि इस नगरी में मुंबई में हम सबको कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए वी आर वेलकम विद लव ऑनर एंड डिग्निटी। तो ईद मुबारक सबसे पहले बिकॉज इसलिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड आई थिंक दैट इट फील्स ग्रेट टू गो बैक होम विद समबडी रिकग्नाइजिंग मी फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्स सोसाइटी एंड हम सब एक हैं एट द एंड ऑफ द डे यू नो एंड डजेंट मैटर कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, रोटी कपड़ा मकान सबके लिए एक बराबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू। नहीं तो बहुत अच्छा है और इसलिए हम आए हैं, काफ़ी सारे और लोग आए हैं। ईद है सेलिब्रेशन का टाइम और ये है सेलिब्रेशन का टाइम, तो सबका एक साथ आना, इकट्ठे खाना पीना, ईद इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फीस्टिंग। तो ये जो मौका है ये बहुत सही मौका है, करेक्ट मौका है और बस उसी के लिए आए हैं, सबसे गले मिलने और ईद का सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करने। थैंक यू। साहिल अख्तर खान की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहली बात तो है कि ईद गुजर गई है लेकिन ईद का जश्न अभी तक चल रहा है और हम इस ईद के सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो हम लोग मिलने के लिए आए, सेलिब्रिटी है और बस ईद इंकलाब की पार्टी है। तो मैं नहीं चाहता कहना चाहता हूँ कि सब लोग को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। इंकलाब पेपर ने ये इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, ईद के बाद भी लोगों को जोड़ने के लिए सबको इंतज़ाम अच्छा किया है, कई सारे इंडस्ट्री के लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ तहे दिल से पूरी टीम को और पूरा अपने पेपर को, इंकलाब पेपर को। और चाहूँगा कि इसी तरह से हर साल ये मनाया जाए जश्न ईद और हम लोग इस तरह से जुड़ते रहें। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड ऑफ कोर्स वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो बिकॉज ये एक बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर है और स्पेशली यू नो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजर्स एंड मुझे जिस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है, लीगल ल्यूमिनरी अवार्ड, आई एम इवन मोर इलेटेड दैट यू नो माई अचीवमेंट्स आर बींग अप्रिशिएटेड इन दिस मैनर बिकॉज एवरी डे इन डे आउट माई जॉब, मेरा जो काम है वो यही है यू नो टू वर्क एंडलेसली टायरलेसली इन द कोर्ट रूम। और फिर उसके लिए जब मुझे मेरे अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है मुझे अवार्ड देकर, तो आई ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ ग्रैटिफाइंग फीलिंग, इट्स एन इम्पेकेबल फीलिंग। सो थैंक यू सो मच एंड यस मैं इंसाफ दिलाने में मशहूर हूँ और मैं इंसाफ करती रहूँगी, मैं और बड़े इंसाफ करके हम झंडा गाड़ूंगी। थैंक यू सर। माई सेल्फ सुरेश सोंगरवाला, शुगर सेलिब्रिटी मैनेजर फ्रॉम शुगर मीडिया। I am very happy to receive this award and on an auspicious occasion like Eid, and it truly is thank you to Midday, Inqilab, Rahul ji. They have always been felicitating me and always been kept me part of their event. This is one of the very this is an event which is very close to my heart because it is a special event for related with Eid. I say I would wish Eid Mubarak to everybody. Thank you so much. Thank you sir. Thank you.